सबसे पहले तो आप जाके बाईपास पे अपनी जान दे दीजिए। आपके जान नहीं देने की वजह से कई हादसे हो रहे हैं, उनके लिए भी तो दफन के लिए ये चाहिए ना कब्रिस्तान। तो कीचड़ में अगर ये करते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आप सीधा विधायक पर जो है निशाना साध रहे हैं कि उन्होंने बेच दिया है। नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना के सुधीर भगत साहब। हमसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज इनसे हम दो विषय पर बात करेंगे। पहला, जो बिजली को निजीकरण किया जा रहा है, और दूसरा, जो मुमरा में कब्रिस्तान का इशू चल रहा है। उन दोनों मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनसे बात करेंगे जो बिजली निजीकरण की जा रही है उसके बारे में, उसके बाद फिर कब्रिस्तान के बारे में जानेंगे। सर, आपका प्रहार टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जो मुमरा में बिजली प्राइवेट की जा रही है, तो पहले एनसीपी के लोग जो है इसके खिलाफ थे, लेकिन अब जो है एनसीपी के जो विधायक है कलाव मुमरा के, उन्होंने खुद जो है ऊर्जा मंत्री को लेटर दिया हुआ है कि बिजली जो है प्राइवेट ना की जाए। तो ये दोहरा गेम है क्या ये? देखो, लोग बीजेपी या और कोई पार्टी है उनको बोलते हैं कि बगल में मुँह में राम बगल में छुरी ऐसा, लेकिन यहाँ पर तो विधायक जो है वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि वो बोलते कुछ और करते कुछ और है। यहाँ दिखाने की बात अलग है और करने की बात अलग है उनकी। ये चाहते हैं कि उन्होंने जो इलेक्शन के अंदर हर एक को साम दाम दंड भेद दे के जो किया है उसी का फल वो प्राप्त करना चाहते हैं। देखो, अगर मुमरा को हमने ख़रीदा है तो मुमरा को बेच के ही मुमरा से पैसा निकाला जा सकता है। तो मुमरा को बेचने की जो थियरी है वो चालू है। क्या प्राइवेटाइजेशन ही आखिरी का रास्ता है क्या? नहीं। आज के दौर में मोबाइल प्रीपेड है, टीवी देख रहे हो टीवी प्रीपेड है। आज महाराष्ट्र में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बिजली के मीटर प्रीपेड है। तो बिजली प्राइवेट करने में इनका इरादा क्यों है, क्या है? प्राइवेट के अंदर टेंडर सिस्टम होती है, फिर किसको टेंडर मिलेगा ये सब इन्हीं को पता है। जब सरकारी होगा तो सरकारी बाबू इनको कुछ करने नहीं देंगे, जब प्राइवेट होगा तब ये तो इनकी चलेगी। आप देख रहे हो, अब कचरा प्राइवेट है, हर एक चीज़ प्राइवेट है। अब ये कचरे में भी पैसा ढूंढ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? मैं क्या बोलता हूँ, अगर प्राइवेट करने से क्या लोड शेडिंग बंद होगी? जो लोड शेडिंग आपको डी में रखा है वो तो रहेगा ही, तो प्राइवेट करना ज़रूरी क्या है? इससे तो अच्छा है कि प्रीपेड करो, जो भरेगा उसकी बिजली रहेगी, जो नहीं भरेगा उसकी बिजली जाएगी। शमीम खान का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि अगर बिजली प्राइवेट की गई तो वो एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, ऐसा आंदोलन करेंगे कि जो अब तक मुमरा में हुआ नहीं होगा आंदोलन। मैं शमीम खान साहब से तहे दिल से विनती करना चाहता हूँ, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं एक दुख की बात उनके लिए कहना चाहता हूँ कि यही आंदोलन उन्होंने बाईपास पे किया था। कहा था कि बाईपास अगर सही ढंग से नहीं बना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। शमीम खान साहब, आप जान की बात मत करिए, क्योंकि आपकी जान की बात करने से बाईपास में कई दुर्घटना हो गई है। मैं चाहता हूँ कि शमीम खान साहब, आपसे एक मैं विनती करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप जाके बाईपास अपनी जान दे दीजिए। आपके जान नहीं देने की वजह से कई हादसे हो रहे, और फिर हम बताएंगे आपको कि आपके ये जो जान देने के ढकोसले हैं ना, ये आप तक ही सीमित रखिए। आप पहले एक काम करिए, बाईपास में जो जान नहीं जा रही है वो आपके वजह से जा रही है। आप वहाँ जाके ऐलान करते हो कि मैं जान दे दूंगा अगर बाईपास सही से नहीं बना तो। आज बाईपास तो चालू हो गया लेकिन वहाँ कहीं जाने जा रही है। आप कृपया करके आप अपनी पहले जाके वहाँ पर जान दे दीजिए, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन सर, जो बिजली प्राइवेट है, इसको प्राइवेट को लेकर जो है मुमरा के शहरवासी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो है शिवसेना भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। क्या शिवसेना इस प्राइवेट को रोकने के लिए आगे आएगी? शिवसेना है कहाँ मुमरा में? शिवसेना है राज्य सरकार में तो है शिवसेना सरकार में। आप में से कई लोग कोई आए थे क्या? कुछ एक कमेटी बनाई थी क्या? हमने हमारे तरफ से तो जो बोलना है वो बोल दिया, लेकिन जो मुमरा वासी है, हर जगह पे उलेमा लोग जाते हैं, अपना निवेदन देते हैं। मैं मुमरा के उलेमा से, मैं मुमरा के बड़े बड़े लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ कि यहाँ के पालक मंत्री है सुधीर भगत की ज़रूरत क्यों है? आपके पालक मंत्री है, आपके विधायक है, वो जाए बैठे है पालक मंत्री के साथ, ऊर्जा मंत्री के साथ। यहाँ कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं नागपुर में जाके लेटर दे के आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन शिवसेना को भी कहीं ना, जिस तरह से और पार्टियां हैं, MIM है और दूसरी कई पार्टियां हैं जो लोगों के बीच में जाती हैं, तो आप शिवसेना भी जो है इस तरह से लोगों के बीच जा सकती है ना? हम लोगों के अगर लोग नहीं आ रहे हैं आप पास, आप जाइए ना लोगों के पास। हम लोगों, देखो ऐसा है कि लोगों तक जाने के लिए हम जा ही रहे, लेकिन जो काम होना चाहिए
विधायक के तौर पे होना चाहिए। आज आपने देखा होगा कि लोकल आदमी उसकी जितनी पहुंच है उतनी वो करता है। हम भी मेरे लोग मेरे हम मेरे भी इलाके हम भी हमारे इलाके में जाते हैं, लोग चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, हम जाते हैं, हम लोगों भी जाते हैं और हमारी बात हमारे हाईकमांड तक भी रखते हैं, लेकिन होता क्या है, यहाँ जो दिखता है वही बिकता है। सर आप ये बताइए, अगर मुंब्रा में बिजली का निजीकरण किया जाता है तो शिवसेना पार्टी इसके लिए क्या कदम उठाएगी? देखो ऐसा है कि हम पहले से निजीकरण बिजली निजीकरण के तो सख्त खिलाफ है। जब भी वो होगा वो जो भी तो शिवसेना स्टाइल में जो आंदोलन करना होगा वो ज़रूर करेंगे, या हमसे जो बन पड़ेगा वो ये शिवसेना डंके की चोट पे करेगी। लेकिन मुंब्रा में जो सबसे बड़ा मुद्दा और एक है कब्रिस्तान का मुद्दा, उस कब्रिस्तान के मुद्दे को फेसबुक लाइव के जरिए 2-3 दिन या और भी ज़्यादा दिनों से उसको जो है दिखाया जा रहा है कि मतलब कब्रिस्तान जो बन रहा है मेमोली पर वहाँ पर जो है गंदा पानी आ रहा है, उसको लेकर माहौल मुंब्रा का गर्म है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कब्रिस्तान मैं आप थोड़ा सी आपकी बात करना चाहता हूँ, वो कब्रिस्तान की जगह नहीं है, वो वुमेंस जो महिलाओं के लिए आरक्षित जगह है जहाँ गर्ल्स हॉस्टल बनना है और बाद में वो जो स्लॉटर हाउस बनना है, तो मैं चाहता हूँ कि वो स्लॉटर हाउस और महिला वुमेंस का जो हॉस्टल है उसकी बात है, वो कब्रिस्तान की जगह नहीं है और ये कब्रिस्तान थोपा जा रहा है। एक मराठी में कहावत है, गोल गोल रानी इतना इतना पानी, कभी 656 कभी 2107 कभी 69, ये क्या चल रहा है? पहले कहते हैं कि नहीं नहीं 107 में नहीं है क्योंकि वहाँ पर CRZ है, हमने दे दिया 56 में या 53 में, फिर दे दिए गर्ल्स हॉस्टल के पास घुमा दिया। फिर कुछ दिनों पहले एक वीडियो आता है इनका, कुछ दो तो चमचे लोगों को खड़े रख के कि नहीं 107 में हमने दे दिया, ये सब क्या है, क्यों गोल गोल घुमा रहे हो मुंब्रा को? सबसे बेस्ट है कि जो UD ने मंजूर किया है, जो महासभा के अंदर मंजूर हो चुका है, उसी जगह पे आप कब्रिस्तान क्यों नहीं दे रहे हो लोगों को? शिवसेना क्यों नहीं जो है कब्रिस्तान, वहाँ सिर्फ शमशान भूमि भी तो है, क्रिश्चियन का भी तो है, तो शिवसेना क्यों नहीं आ रही इस चीज़ को लेकर सामने? हमारी मोइन मियाँ से भी बात हुई इस सिलसिले में, हमारे खुद के खासदार साहब मोइन मियाँ साहब के पास भी गए थे, मोइन मियाँ साहब ने कहा कि जो हमको उन्होंने भी कहा कि हमको जो UD ने दिया हुआ है आरक्षित जगह वो हमको चाहिए। हमने उस सिलसिले में आगे UD के पास भी गए हैं, हमने पालक मंत्री साहब से भी बात की है इसके बारे में, लेकिन आपको एक बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर के जो विधायक है उन्होंने एक लेटर दिया है कि वो जो रिजर्वेशन है वो कैंसिल करके आप वहाँ पर दे दीजिए। तो प्रॉब्लम आ रहा है कि सत्ताधारी और विरोधक, सत्ताधारी देना चाहती है लेकिन विरोधक उसको लेना नहीं चाह रहे। आपको दिखाया कुछ आ रहा है, यह हाथी के दांत है, ये खाए कुछ और जा रहे हैं, दिखाए कुछ और जा रहे हैं, इनका लेटर है बाकायदा जहाँ देना चाह रहे हैं। देखो शिवसेना, आप कह रहे हैं कि शिवसेना दे रही है शिवसेना जो UD ने मंजूर किया, लेकिन ये ले नहीं रहे, ये खुद लेटर दे के बाकायदा दे रहे हैं कि हमको यहाँ नहीं चाहिए, हमको कहीं और चाहिए। इसमें शिवसेना भी पशुपक्ष में के यार ये हो क्या रहा है? लेकिन आप देखोगे कि कुछ दिनों पहले इन्होंने 107 में देने की बात की CRZ में, यानी ये खुद अपनी बात पे स्थिर नहीं है कि हमको क्या चाहिए, उसकी वजह है कि क्या चाहिए नहीं है, इन्होंने क्या बेच दिया है उसके ऊपर ये स्थिर नहीं है। और मैं आपको आप सीधा विधायक पर जो है निशाना साध रहे हैं कि उन्होंने बेच दिया है। मैंने पूरी उनकी जो चांडाल चौकड़ी है उस सबके ऊपर मैंने आरोप लगाया है कि अगर ऐसा नहीं है तो जो UD ने मंजूर किया है उसके ऊपर आप क्यों नहीं दे रहे हो, दे दो ना यार। और मैं भी फिर से एक बार कहता हूँ शमीम खान साहब, आप बाईपास के ऊपर मेरे दोस्त हैं, मैं बड़े दिल में गम खा के बैठा हूँ कि आपने कहा था कि मैं बाईपास पे जाके जान दे दूंगा अगर आपके जान से, देखो मराठा आरक्षण पे कई लोगों ने जान दे दी क्योंकि उनको वो चाहिए, मराठा आरक्षण एक जानी इशू बन गया है। वैसे अगर बाईपास के लिए और आप आरक्षण के लिए इतने ही बोल रहे हो तो आप कर दीजिए, फिर हम देखेंगे कि आपके जो लोग हैं वो आपको कहाँ पर दफनाते हैं, उनके लिए भी तो दफन के लिए ये चाहिए ना कब्रिस्तान, तो कीचड़ में अगर ये करते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, देखेंगे हम भी। आज मैं ये जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ बहुत गंभीर स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उसकी वजह है कि ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं मुंब्रा से, और मैं एक मुंब्रा का नाते होने के वजह से मैं आज बहुत नेगेटिव में जा रहा हूँ, ये मेरा आज सबसे बड़ा नेगेटिव स्टेटमेंट है, मैं आज तक कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, ये स्टेटमेंट देने की वजह ऐसी है कि ये लोग बहुत गुमराह कर रहे हैं, कोई और कुछ बोल रहा है वो कुछ और बोल रहे हैं, इनके विधायक कुछ और बोल रहे हैं, मुंब्रा को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। आज मैं ये नेगेटिव स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ।
क्योंकि बहुत दुख हो रहा है कि ऐसा देना नहीं चाहिए लेकिन मैं दे रहा हूँ। लेकिन सर अगर आपको मालूम है कि मुमरा की जनता को गुमराह किया जा रहा है, उनके साथ खेल खेला जा रहा है, तो आप लोग भी इस मुद्दे पर खुलकर क्यों नहीं मैदान में आ रहे? मैं आया था ना 2017 में, खुल के आया था, जनता ने रिजेक्ट किया। मैं खुश हूँ कि जनता ने जो मेरे को रिजल्ट दिया, ठीक है उनको नहीं अच्छा लगा, उन्होंने जो रिजल्ट दिया, हर एक राजनीति के अंदर अच्छा बुरा दोनों पहलू होती है। हम उनके सामने गए थे, आप देखो कि जो एक दूसरे को गाली से बात करते हैं वो दोनों एक साथ हो गए और जनता ने उनको सिलेक्ट किया, और जो रिस्पेक्ट से बात कर रहा था जनता ने उसको नकारा। आप हमेशा जान देने की बात कर रहे हो, जान देने की बात कर रहे हो, एक बार दे ही दो, जनता भी देखेगी क्या हो रहा है। सर अगर मुमरा में कब्रिस्तान का इसी तरह से माहौल रहा तो मतलब आप लोगों को भी सत्ता में हैं और आप लोग से भी उम्मीद जनता को कहीं ना कहीं होगी, तो आप लोग किस कब्रिस्तान को जो है मुमरा वासियों को देंगे? जो आपके शिवसेना शाखा के पास है वो दिलाएंगे, या जो अभी गंदी पानी गंदी नाला वहाँ पर बह रहा है वो कब्रिस्तान दिलवाएंगे? मैं आज एक स्टेटमेंट क्लियर करना चाहता हूँ, जो यूडी ने शिवसेना शाखा के पीछे मंजूर किया हुआ आरक्षित, यूडी ने जो शासन के तरफ से ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से मंजूर हुआ जो कब्रिस्तान है वही शिवसेना देने के प्रयास करेगी। और ये ठाम से कहता हूँ कि जब भी होगा वहीं पर स्मशान भूमि होनी चाहिए, वहीं पर कब्रिस्तान होना चाहिए, वहीं पर क्रिश्चियनों का ग्रेवयार्ड होना चाहिए जहां पर यूडीआई ने मंजूर किया है। आपके जो मंत्री हैं श्रीकांत शिंदे साहब, उन्होंने भी हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि हम जो यूडी द्वारा पास की गई है जमीन वही कब्रिस्तान के लिए देंगे। लेकिन सर ये बात बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन कब दिया जाएगा मुमरा वासियों को? देखो इसका सही जवाब कोई नहीं दे रहा है, और जिस कब्रिस्तान को आप बता रहे हैं कि ये जमीन जो है गर्ल हॉस्टल के लिए है तो उस जमीन पर तो कब्रिस्तान बनाई जा रही है, आप लोग उसको रोकने का साहस क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा है अभी उस तरफ कब्रिस्तान बना नहीं है, भरनी काम चालू है, कॉन्क्रीटाइजेशन काम चालू है, नगर पालिका के अंदर आरक्षित भूखंड है उसको कंपाउंड वॉल करना और उसके ऊपर गर्ल्स हॉस्टल बनाना, इस तरह का प्रपोजल है। वो जो रिजर्वेशन है उस तरीके का है, अभी उस पर कुछ बना नहीं है। जब उसके ऊपर कोई गलत काम होता है तो उसको रोका जाएगा, क्योंकि आज तक के अंदर वो सिर्फ कंपाउंड वॉल बांधी जा रही है, उसके ऊपर गर्ल्स हॉस्टल और स्लॉटर हाउस का ही रिजर्वेशन है। अगर उसको चेंज कर करके अगर ये बांधा जाएगा तो उसका तीव्र विरोध किया जाएगा। चल लास्ट सवाल आपसे, आप अगर सत्ता में आते हैं अगली बार तो मुमरा वासियों को जो यूडी ने कब्रिस्तान दी है क्या वो कब्रिस्तान आप देंगे? मैं मुमरा से आपके माध्यम से तहे दिल से एक कहना चाहता हूँ कि जो यूडी ने मंजूर किया है उसके ऊपर हमको कब्रिस्तान चाहिए, हम आपको ला रहे हैं सिर्फ कब्रिस्तान, और जो सुविधा स्टेट गवर्नमेंट से आनी चाहिए उसके लिए आपको ला रहे हैं और हम आपके साथ में हैं। सुधीर भगत साहब जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात को रखा, इन्होंने एनसीपी के जो शमीम खान हैं उन पर निशाना साधा है, इन्होंने कहा कि अगर उनको जान देने का ही शौक़ है तो वो जल्द से जल्द जान दें। इन्होंने कब्रिस्तान के मुद्दे पर भी कहा कि अगर कब्रिस्तान जो यूडी द्वारा पास किया गया है उस कब्रिस्तान को ही शिवसेना मुमरा वासियों को देने की कोशिश करेगी। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।